हेलो स्टूडेंट्स, हम सब बल्ब यूज करते हैं अपने घर को रोशन करने के लिए, और आपको पता है कि बल्ब काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल के ऊपर। तो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, और आज के इस सेशन में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पहले रिकॉल करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, फिर हम देखेंगे कि क्या रीजन है शॉर्ट सर्किट के पीछे, फिर हम जानेंगे कि कैसे हम सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लो ऑफ करंट की वजह से हीट प्रोडक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का बहुत सारा एडवांटेजेस है, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है ग्लोइंग अ बल्ब। तो जैसे ही हम इस बल्ब को इस बैटरी के साथ जोड़ देंगे, तो एक करंट फ्लो होगा इस सर्किट में और बल्ब के फिलामेंट के थ्रू, और जैसे ही करंट बल्ब के इस फिलामेंट के थ्रू पास होगा, तो एक हीट प्रोड्यूस होगा और ये फिलामेंट गर्म हो जाएगा, और ये गर्म फिलामेंट फिर ग्लो करने लगेगा। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये रहा एक एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसका एक और भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज रूम हीटर। तो आपको पता है कि रूम हीटर के अंदर एक कॉयल होता है, और जैसे ही उस कॉयल के थ्रू करंट पास होता है, तो वो कॉयल गर्म हो जाता है, और इस हीट को हम यूज करते हैं अपने घर को गर्म रखने के लिए। तो इस केस में भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये रहा एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एक सीरियस डिसएडवांटेज है मेल्टिंग ऑफ वायर। तो आपको पता है कि जैसे ही कोई सर्किट कंप्लीट होता है, तो उस वायर के थ्रू एक करंट फ्लो करता है, और हर एक वायर के पास एक कैपेसिटी होता है एक मैक्सिमम करंट को सस्टेन करने के लिए। तो मान लेते हैं कि अगर बाय चांस उस वायर के थ्रू मैक्सिमम करंट जो है उससे ज्यादा करंट पास कर रहा है, तो उस टाइम इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि उस हीट प्रोडक्शन के वजह से वो वायर जो है वो पिघल जाएगा। तो ये एक सीरियस डिसएडवांटेज है। तो अब सवाल ये है कि कैसे वायर के थ्रू एक्सेसिव करंट फ्लो कर सकता है। तो उसके लिए दो रीजन है। पहला रीजन है शॉर्ट सर्किट। तो चलिए आप समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता कैसे है। तो ये एक सिंपल सा सर्किट है जिस पे एक बल्ब बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके लिए हमने दो वायर यूज किया है, एक वो रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। अब अगर हम मान लेते हैं कि बाय चांस ये दोनों वायर आपस में जोड़ गया है, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, तो इस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और इस केस में शॉर्ट सर्किट के वजह से इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा कि ये जो वायर है ये पिघल जाएगा। तो ये है शॉर्ट सर्किट और इसका डिसएडवांटेज। अब दूसरा रीजन जो है एक्सेसिव करंट फ्लो का, वो है ओवरलोडिंग। तो चलिए हम जानते हैं कि ओवरलोडिंग कैसे होता है। ओवरलोडिंग ऐसे होता है कि अगर हम बहुत सारे अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट में डाल देते हैं, तब होता है ओवरलोडिंग। तो इस केस में भी बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा वायर के थ्रू, और इसके वजह से वो वायर जल जाएगा। तो अब सवाल ये है कि कैसे हम अपने सर्किट को शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्यूज। तो ये फ्यूज सर्किट के साथ जुड़ा रहता है, तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, एक करंट फ्लो करता है इस सर्किट के थ्रू। अब अगर कैसे भी करके ये जो करंट है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन पे ये फ्यूज वायर ये तुरंत पिघल जाता है, और ऐसे सिचुएशन पे करंट फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि अब सर्किट यहाँ पे ब्रोकन है। तो यानी कि ये फ्यूज वायर ये पिघल के सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि वो मैक्सिमम और एक्सेसिव करंट फ्लो नहीं कर पाए इस सर्किट के थ्रू, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो बच जाए शॉर्ट सर्किट से। तो फ्यूज का ये जो एप्लीकेशन है, इससे हमें साफ पता चलता है कि इसका फ्यूज वायर का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है कि ये फ्यूज वायर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए,
और ये जो फ्यूज वायर है ये करंट का जो फ्लो है उसको इतने आसानी से फ्लो ना करने दे। तो इस दो प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये फ्यूज वायर और ये फ्यूज करंट फ्लो को इतना स्मूथली होने नहीं देता है तो पहले ही वो एक चेक एंड बैलेंस अप्लाई करता है करंट के ऊपर। अब फिर भी मैक्सिमम और एक्सेसिव करंट पास कर रहा है सर्किट के थ्रू तो ये फ्यूज वायर ये तुरंत पिघल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा और फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो बर्निंग से बच जाएगा। तो दोस्तों फ्यूज का ये एप्लीकेशन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस पर एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जैसे ही ये फ्यूज वायर पिघल जाता है तो हमें इस फ्यूज को चेंज करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है एक नए फ्यूज के साथ और ये हमें हर बार करना पड़ता है। तो इस जो प्रॉब्लम है इससे बचने के लिए एक और दूसरा डिवाइस है जो हम आजकल यूज करते हैं और उस डिवाइस को हम कहते हैं MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। और इस डिवाइस का यूजफुलनेस ये है कि जैसे ही एक्सेसिव करंट सर्किट के थ्रू पास होता है तो ये जो MCB है इसका जो स्विच है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और फिर करंट फ्लो को रोक देता है। अब जैसे ही ये हो जाता है फिर हम सर्किट को रेक्टिफाई करके हम इस जो स्विच है इसको फिर टर्न ऑन कर देंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि MCB यूज करने पर हमें बार बार इस MCB को बदलना नहीं पड़ता है, तो यही है इसका यूजफुलनेस। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। चलिए खत्म करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो भी सीखा है। तो आज हमने पहले देखा कि हीट प्रोड्यूस होता है करंट फ्लो के वजह से। फिर हमने देखा कि जब एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो वो बर्निंग कॉज करता है। फिर हमने देखा था कि जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग है उसके वजह से एक्सेसिव करंट सर्किट के थ्रू फ्लो कर सकता है। फिर हमने ये समझा कि हम फ्यूज को सर्किट पे यूज करते हैं ताकि सर्किट को हम बचा सके शॉर्ट सर्किट से। और फाइनली हमने ये देखा था कि आजकल हम MCB यूज करते हैं फ्यूज के जगह पे क्योंकि उसके वजह से हमें MCB को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए ये रहा आज का सेशन। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप लर्निंग।